दोस्तों मेरी तरह भी अगर आपका स्मार्टफोन आईफोन है, जैसे देख सकते हैं ये आईफोन 14 प्रो है, आपके पास भी अगर आईफोन 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स या 14 है, तो आपको किस तरीके से अपने आईफोन को अनलॉक करना है इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे, ठीक है। 2 से 3 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, अगर आप इसमें सीख जाते हैं तो एकदम मास्टर बन जाएंगे कि कैसे हाउ टू अनलॉक एनी आईफोन विदाउट एंटर पासकोड। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विदाउट पासकोड और विदाउट डेटा लॉस। यहाँ पे कोई भी आईक्लाउड के सेटिंग से छेड़छाड़ नहीं होगी, किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे प्राइवेसी को नुकसान नहीं होगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो आप इसका गलत यूज मत कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि हमारा फ़ोन अनलॉक हो गया है तो आपका भी हो जाएगा। डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट पासकोड और डिफरेंट अपडेट पे ये डिपेंड करता है। तो ये चैनल इसकी कोई गारंटी नहीं लेता है कि आपका फ़ोन अनलॉक हो ही जाएगा, ठीक है। फर्मवेयर अपडेट पे डिपेंड करता है, बहुत सारा चीज़ होता है, ट्राई करके आप देख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये आपका फ़ोन भी अनलॉक हो ही जाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम अपने आईफोन को इस तरीके से स्वैप अप करते हैं। अगर इसे फेस आपका नहीं दिखेगा तो ये अनलॉक नहीं होगा और ये मांगेगा आपसे इंटर पासकोड, ठीक है। जैसे ही ये पासकोड मांगे आपको क्या करना है, इमरजेंसी वाले ऑप्शन पे चल जाना है। ध्यान से देखिए, आपको इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पे चल जाना है। वहाँ पे जाते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार हैज, ध्यान से इस कोड को देखिए, ये कोड मल्टीपल कोड आते हैं हर महीने में, हर महीने चेंज होता है। तो अगर आप इसे किसी दूसरे जैसे कि मई में अगर देखेंगे तो ये कोड आपका काम करेगा, लेकिन जून जुलाई अगस्त के लिए कोड अलग होगा। फिलहाल अभी आपको ये कोड मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इस कोड को आप हैज लगा के यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इस कोड को लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये कोड आपको बहुत ही काम देने वाला है। एंड देन यहाँ पे आप इस कोड को लिख लीजिए। कोड को लिखते ही आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉलिंग वाले बटन पे इस तरीके से प्रेस करना है। ये देखिए, कॉलिंग वाले बटन पे आपको जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एरर परफॉर्मिंग रिक्वेस्ट अननोन एरर, ये मैसेज आपको दिखाएगा, एरर परफॉर्मिंग रिक्वेस्ट अननोन एरर, ठीक है। अब इस मैसेज को आप इग्नोर बिल्कुल कर दीजिए। ये मैसेज आने का मतलब है कि आपका काम बन गया, आपका फ़ोन जो है अनलॉक हो चुका है। अगर ये मैसेज नहीं आता है तो आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। अभी यहाँ पे आपको बस एक डिसमिस वाले बटन पे इस तरीके से क्लिक करना है। डिसमिस पे क्लिक करते ही आपको कुछ नहीं करना है, अब इस ऑप्शन को आपको कैंसिल कर देना है। लेकिन ये कोड आप लिख लीजिएगा, मई महीने में, पूरे मई में ये काम करेगा। अगर आप किसी दूसरे मंथ में देख रहे हैं तो उस समय का कोड आप ले लीजिएगा। कोड लेने के लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, और या फिर लेटेस्ट वीडियो को देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करते हैं, हम आईफोन के स्क्रीन में आ चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको इस तरीके से स्वैप अप करना है। ये देखिए, स्वैप अप इस तरीके से करना है। एंड देन स्वैप अप करते ही आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो जाएगा, आपसे कोई भी पासकोड नहीं मांगेगा, ठीक है। तो ये मेथड आप बहुत ही बारीकी से ट्राई कीजिएगा। और मैंने पहले भी बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि ये आपके फ़ोन में भी काम कर जाए। डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट अपडेट, डिफरेंट फर्मवेयर पे ये डिपेंड करता है, साथ ही साथ डिफरेंट आईफोन पे भी ये डिपेंड करता है। लेकिन 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 टिकट ऑफ द पिंच ऑफ सॉल्ट, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।